श्रीमद् भगवत साईं अध्याय एक अवतरण। श्रीमद् भगवत साईं का पहला अध्याय अवतरण है। इस अध्याय में बाबा के शिरडी आगमन एवं उनके प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। वे कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, किसकी कुक्षी से पैदा हुए, ये अब तक अज्ञात है। इस बारे में साईं ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। साईं शिरडी क्यों आए, नीम वृक्ष के नीचे क्यों बैठे, टूटी फूटी मस्जिद को ही अपना बसेरा क्यों बनाया, ये सचमुच एक रहस्य है। पहले अध्याय में हम साईं के जीवन से जुड़े इन्हीं प्रसंगों का गायन एवं पारायण करेंगे। प्रथम पदार्पण। इस अध्याय का प्रारंभ साईं के प्रथम पदार्पण से होता है। साईं सबसे पहले चांद पाटिल को औरंगाबाद जिले के धूपखेड़ा गांव में सघन अमराइयों के बीच दिखाई पड़े। कुछ समय तक उन्होंने चांद पाटिल के घर आंगन में बसेरा किया। फिर वे पाटिल परिवार की बारात के साथ शिरडी आए। वे शिरडी क्या आए, उनके पैर शिरडी में ही टिक गए। अमृत बेला में अमृत योग से अमृत पुरुष श्री साईं का शिरडी में अवतरण हुआ। आइए अब हम साईं के प्रथम पदार्पण का गायन एवं पारायण करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के जग के रचना का, जब आते हो लोक में बन जाते साकार। हानि नहीं हो धर्म की, बढ़े न हिंसा पाप, जगती के दुख दर्द का हरते हर संताप। ऋषियों का सम्मान हो, मुनियों का हो मान, सदा सत्य सत्कर्म का चक्र रहे गतिमान। सत्पथ पर दुनिया चले, बहे प्रेम की धार, मन मानस को मोड़ते युग युग में अवतार। सतयुग त्रेता काल हो या द्वापर कलिकाल, आते जब अवतार तो होता जग खुशहाल। हरी भरी भू संपदा जिला औरंगाबाद, पावन नद गोदावरी करती कल कल ना, सात कोस बस दूर है धूपखेड़ा गांव। जगा जगा अमराइया शीतल तरवर छां, गुजरा सुनी राह से मनुज एक बेहाल। भूख प्यास से धूप में डगमग चलता चार, स्वेद बूंद से तर बतर गीला सकल शरीर, कोई घोड़ी ढूंढता गोदा नद के ती, कहां कहां देखा नहीं भाग दौड़ कर रो, भटका वह दो मास तक कर पाया ना खोज। चांद पाटिल नाम से उसे जानते लो, जंगल जंगल घूम
नजर गई उस ओर, देखा एक फकीर है मन को करे विभोर, धन पर कफनी सोहती बैठा कोमल घास, सटका पड़ा समीप में चिमटा उसके पास, पाटिल गुजरा राह से गूंजी एक आवाज, अरे मुसाफिर सुन जरा जंगल में क्या था, पूछा प्रश्न फकीर ने देख उसे गमगीन, क्यों तुम दर दर घूमते कंधे पर रख जी, बतलाया तब चांद ने मेरे भाग्य खरा, जिसका नहीं जवाब, मारा मारा फिर रहा हुई सफल ना खो, गांव शहर ढूंढे सभी सुबह शाम हर रोज, हंसकर कहा फकीर ने इंसान को ना चैन, छोटी मोटी चीज भी कर देती बेचैन, चिंता को रख दूर तू होना अधिक उदास, थोड़ी चरती घास को उस नाले के पास, पाटिल तत्क्षण चल पड़ा उस नाले की ओर, घोड़ी लगकर हो गया विस्मित भाव विभोर, पाटिल के मन उपजा क्षण एक विचार, नर के चोले में छिपा पैगंबर अवतार, लगता कोई औलिया पहुंचा हुआ फकीर, जिससे मिलकर शीघ्र ही बदल गई तकदीर, घोड़ी मिल गई चांद को थामी हाथ लगाम, आए पास फकीर के झुक कर किया सलाम, मुझ पर किया है आपने बहुत बड़ा उपकार, किन शब्दों में आप करूं मैं हार्दिक आभार, थी फकीर के हाथ में एक चिलम तैयार, गीली साफी थी नहीं ही अंगार, चिमटा लिया फकीर ने भू पर किया प्रहार, निकला शीघ्र जमीन से जलता एक अंगार, धरती से अंगार को ले आए वो पकड़ा चिमटे से उसे धरा चिलम के भी।
दिया धरा परवा, निकला स्रोत जमीन से फूटी जल की धार। साफी को गीला किया पूर्ण हुआ उपचार, अद्भुत रीति फकीर की चीलम हुई तैयार। अरे बटोही पी चीलम बोले साई फकीर, चीलम चांद ने थाम ली होकर कुछ गंभीर। तरवर के नीचे बिछी हरी भरी सी घास, साईं आज्ञा मान कर बैठे उनके पास। अल्प काल के बाद में बोला पाटिल चांद, नर का है ना नाम यहाँ ना पंछी का नाद। नरभक्षी पशु घूमते जंगल यह सुनसान, रुकना कभी ना ठीक है इस निर्जन वीरान। चलिए और विराजिए मेरे घर में आप, करना हो सो कीजिए अपने कार्यकलाप। पाटिल का प्रस्ताव सुन बोला युवा फकीर, योगी रमता मैं भला जैसे गंगा नीर। खुद चल कर आ जाऊंगा मैं तेरे घर द्वार, शायद रहना ही पड़े मुझे माह दो चार। स्वागत आप पधारिए ना घर मेरा दूर, जब इच्छा हो आपकी आए आप जरूर। दूजे दिन घर चांद के आए युवा फकीर, जैसे मानो जग गई पाटिल की तकदीर। धूप खेड़ा ग्राम में छाई खुशी अपार, कुछ दिन रहा फकीर वह पाटिल के घर द्वार। पाटिल गृह आंगन हुआ पावन शुद्ध पुनीत, है इस श्री गणेश का उज्जवल धवल अतीत। धूप खेड़ा ग्राम के अधिकारी थे चांद, श्रद्धा भक्ति साई में विकसित हुई अगाध। पाटिल के ससुराल में पक्का हुआ विवाह, शिरडी की कन्या मिली होगा शीघ्र निकाह। पुण्य दिवस वो आ गए देन
देने को सौगात, शिरडी नगरी को चली सज धज के बारात। चले आप भी साथ में पाटिल का प्रस्ताव, संग संग चले फकीर भी पहुंचे शिरडी गांव। बैल गाड़ियां आ रुकी खांडोबा स्थान, खुली जगह थी सामने उतरे सब मेहमान। वहां पुजारी माल सा करे इस्तकबाल, आने वाला हो कोई युवा वृद्ध या बाल, बाराती के रूप में उतरा दिव्य फकीर। सूरत से जैसे लगे पैगंबर या पीर, आसाई कहा किया बालक का सत्कार, फैला सारे लोक में उनका नाम अपार। रखता नाम समाज है या देता परिवार, अलग अलग पहचान का बनता वह आधार। पुण्यात्मा महाल सा किया अनोखा काम, संबोधन के शब्द से दिया ईश को नाम। देखा रूप फकीर का हुई उन्हें पहचान, पार ब्रह्म वह ईश है वही पूज्य भगवान। बाहर रूप फकीर का भीतर बैठा ईश, साई सार्थक नाम है चम चम चमके शीश। सीधे सादे महाल सा ईश कृपा का योग, नामकरण का मिल गया भाग जोग संयोग। अवसर मिलता है उसे जो हो पावन शोध, रखना उसके वास्ते तन मन पूर्ण विशोध। परिणय उत्सव हो गया लौट गई बारात, पुण्य योग से मिल गई शिरडी को सौगात। युवक वहीं पर रुक गया थम गए उसके पाँव, ना जाने क्यों खास ये लगा उसे यह गाँव, लगा उसे यह गाँव, लगा उसे यह गाँव।